कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच सोमवार लगातार दूसरे दिन संक्रमण दर 0.50% से ऊपर रही। इससे दिल्ली येलो अलर्ट की सीमा में दाखिल हो गया है। मंगलवार को इसे लागू करने के बारे में आला अधिकारियों की बैठक भी होने जा रही है। आपको बता दें कि इसमें लिए गए फैसले के आधार पर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण येलो अलर्ट पर भी आदेश जारी कर सकता है। इसके बाद दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन सेवाएं 50% के साथ चलेंगी। वहीं दिन में बाजार भी सम विषम के फॉर्मूले से खुलेंगे। दूसरी तरफ शैक्षणिक संस्थानों समेत दूसरी कई गतिविधियां भी बंद हो जाएंगी। उधर डीडीएमए ने सोमवार सुबह नाइट कर्फ्यू लागू करने का भी आदेश जारी कर दिया था। साथ ही जरूरी नागरिक सेवाओं से जुड़े लोगों के अलावा रात 11 बजे से सुबह 5 बजे के बीच दिल्ली की सड़कों पर निकलने की सभी की पाबंदियां रखी गई है। ऐसे में एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि दिल्ली में संक्रमण दर लगातार दूसरे दिन 0.50% से ऊपर रही है और रविवार को ये 0.55% रही और सोमवार को ये 0.68% रही। वहीं कोविड के लिए बने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान नियमों के तहत अब दिल्ली में येलो अलर्ट के हालात बन गए हैं। इस बारे में सोमवार को वरिष्ठ अधिकारियों में हालात पर चर्चा हुई, लेकिन अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया। मंगलवार को इस पर विचार किया जाएगा। इसके बाद येलो अलर्ट लागू करने पर भी फैसला होगा। दूसरी तरफ डीडीएमए ने सोमवार सुबह नाइट कर्फ्यू लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। अगले आदेश तक दिल्ली में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक पाबंदी लागू रहेगी। तो यानी कि संक्रमण और ज्यादा दिल्ली में ना फैले, इसको देखते हुए आज अधिकारियों की बैठक बुलाई है, लेकिन ऐसे में कहा जा रहा है कि पाबंदियां और बंदिशें आज से और लागू हो सकती हैं।